कि ये जो स्टोन्स पहन रखे हैं अंगूठियों में, चाहे भाभी जी पहने या आप पहने, ये प्रीसियस स्टोन है। छोटे छोटे स्टोन की कीमत 11,000, 20,000, 40,000 और हीरा अच्छा हो तो करोड़ों तक की हो जाती है। ये सारे आते हैं प्रीसियस स्टोन में, प्रीसियस स्टोन जो कीमती हो। इतना सा पन्ना 1.25 लाख का है, यानी कि इतना सा पन्ना अगर 1.25 लाख का है तो पत्थर ही, लेकिन कीमती पत्थर है जी, यानी कि प्रीसियस स्टोन है। और जो हम लगाते हैं अपने फर्श पर या लगाते हैं किचन के स्लैब पर, कड़पा कल आपके आता सर, कड़पा स्टोन आंध्रा से 40 रुपया स्क्वायर फीट का है, सस्ता है। बीच का जो होता है उसको कहते हैं सेमी प्रीसियस स्टोन, जेड स्टोन उस कैटेगरी में आता है जो है सेमी प्रीसियस स्टोन। इस एक एक पत्थर की वैल्यू 1800 से 2100 रुपए इस एक पत्थर की। ये जेड क्या है, कहां से शुरू हुआ, लोगों ने कब इसकी पहचान शुरू की? हम भारत में देखते हैं जब भी जाते हैं राजा महाराजाओं के यहाँ पे, तो सिंहासन किसके मिलते हैं हमें, मार्बल के, मार्बल के मिलते हैं या फिर चांदी सोने के मिलते हैं। आप कभी मैसूर आई है, 140 किलो का सिंहासन, 400 किलो का सोने का सिंहासन वहां रखा हुआ है। तो जो जितना पैसे वाला वो उतना बड़ा सिंहासन बनाता है। आप कभी कोरिया, ताइवान, जापान और चीन जाइए, वहां पे जितने भी राजा महाराजा हुए उन सारों के सिंहासन जेड स्टोन के मिलेंगे आपको। इस जेड स्टोन की खासियत क्या है, आए जाने JADE। इस जेड स्टोन की एक खास बात है कि अगर इसे गर्म किया जाए तो इनमें से फार इंफ्रा रेस निकलेगी। कैसी फार इंफ्रा रेड रेस तो सूरज से भी रोज मिलती है अपने को, लेकिन जो कारगर है वो रेस है जो 4.5 से 15 μ की होती है, जो सुबह सुबह हमें सूर्य उदय से लेकर के 48 मिनट तक मिलती है। उसके बाद में अगर बाहर जाएं तो फिर पगड़ी या दुपट्टा लगा के जाएं, वरना काला कर देगी अपने को, क्योंकि फिर वो हो जाती है अल्ट्रा वायलेट रेस में, यूवी रेस में, तो भी चश्मा लगा के निकलना चाहिए बाहर, वरना आंखों को तकलीफ हो सकती है। जेड स्टोन में वो गुण है कि जब कभी भी उसे गर्म किया जाए तो हमारे शरीर का तापमान कितना बताया मैंने आपको, यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस, वो तो फ़ारेनहाइट होगी, ये सेल्सियस। ये जब उसके टच में आता है तो वहां से किरणें निकलनी शुरू होती है। अब चाहे बीरबल बैठे या राजा अकबर, जब उस सिंहासन पर बैठेंगे तो उनकी ऊर्जा गर्मी से ये स्टोन वापस छोड़ेगा FIR और पूरे शरीर में आपकी रक्त नलियों को वापस चौड़ा कर देगा। एक बार रक्त नलिकाएं चौड़ी हो गई तो खून का प्रवाह सही हो जाएगा। एक बार सही हो गया तो प्रत्येक कोशिकाओं को क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और विजातीय तत्वों को ले जाने का रास्ता मिलेगा। सारी कोशिकाएं मस्त हो गई तो हमारे टिश्यूज मस्त हो गए, टिश्यूज मस्त हो गए तो ऑर्गन अच्छे हो गए, ऑर्गन अच्छे हो गए तो सिस्टम बढ़िया काम करना है, और 100 सिस्टम बढ़िया काम करने हैं तो हम चंगे हो गए। इसका नाम क्या रखा सर, जेड मसाज है। तो लोग पूछते हैं राकेश इस पे कौन मसाज कर रहा है, ये अगर मैं लगा रहा हूं यहां पे तो इससे क्या होता है कि जब ये किरणें जाती है भीतर की ओर, अंदर रेसोनेंस की फीलिंग देती है, नसें सिकुड़ती है, विमोचन होती है, सिकुड़ती है, विमोचन होती है। कैसे, जैसे कोई ऊपर से मालिश करे तो कैसे सिकुड़ेगी और विमोचन होगा, सिकुचित और विमोचित होगी, ठीक वही इफेक्ट। ये जब 8 इंच भीतर पहुंचती है, सर मैंने 20 सेंटीमीटर लिखा ना वहां पे, 20 सेंटीमीटर = 8 इंच, जब ये 8 इंच भीतर पहुंचती है तो उन सारी नलिकाओं में सिकुड़ती है, एक्सपैंड होती है, कंप्रेस रिलैक्स, कंप्रेस रिलैक्स, ऐसे कोई मसाज कर रहा हूं, इसीलिए इसका नाम जेड स्टोन मसाजर है। अब ये मसाजर करने वाले विदा लुप्त हो रही थी तो कोरिया का एक प्रोफेसर, उसने कहा यार चीज पे दम है लेकिन टेम्परेचर कितना करो यही गम है, तो इसको अगर ठीक कर दें तो कोई प्रोफेसर का साइंस का रहा होगा, उसने दोनों को मिलाया। पुरानी विधा के जेड स्टोन से निकलती FIR
लेकिन गर्म कितना करूं ये तकलीफ है। उसने रेगुलेटर लगाया, थर्मोस्टेट लगाया अंदर, आप सेट कर लो जी कितनी आपको सहन हो रही है, चाहिए नहीं सहन हो रही है, कहीं सामने 50 हो रही है, ओके यहां 60 और बैक में 70 हो रही है, आप जितनी चाहे उतनी गर्म कर लो। 43 डिग्री के बाद में इसमें से 8 इंच की एफआईआर निकलेगी। और सर व्यक्ति कितना ही मोटा क्यों नहीं हो, कितने ही पेटू क्यों नहीं हो, यहां से लेके वहां तक 16 इंच के ऊपर नहीं होगा सर। अब शुरू करें अगर समझे, यहां से किसी को साइनस की तकलीफ है या किसी को माइग्रेन की तकलीफ है या किसी को पैरालिटिक अटैक हुआ हुआ है, जिसे होती है पैरालिसिस उसके एक तरफ का अंग काम नहीं करता, उसके विपरीत दिशा में यहां पर आधे माथे में आप मसाज करवाइए, क्योंकि ब्लॉक्स यहां हुए हैं इसी के कारण से लिम्स ये काम नहीं कर रहे। जो ही आप यहां मसाज करते हैं कुछ ही हफ्तों में यहां के प्रकंपन शुरू होते हैं, जान आते हैं। और ये जान आते आते यहां से जो ही ब्लॉक निकला, होता क्या है खून के थक्के जमते हैं, जो डॉक्टर लोग हैं कंफर्म करेंगे, ये खून के थक्के जमने के बाद में यहां से जो आने की इंस्ट्रक्शन वहां पर खून पहुंच नहीं रहा होता है, यानी कि ब्लॉक हो गया, आगे रास्ता नहीं है। तो जिन कोशिकाओं को खून नहीं मिला वो इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाती है और हमें आ जाता है पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया। ये लकवा वापस यहां कुछ नहीं कर सकते आप, आपको करना यही होगा जहां तकलीफ हुई है, मतलब बड़ा सा बंगला खोलने के लिए खाली चाबी चाहिए, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। ठीक इसी तरह यहां का ब्लॉक निकाल दो, वापस दोनों लिम्स काम नहीं। जिसको आधा सीसी का दर्द हो, माइग्रेन का दर्द हो वो करें, जिसको साइनस की तकलीफ है वो यहां लगा के करें, जिनको आंखें हर साल चश्मे का नंबर बढ़ रहा है वो आंखों पर करें, जिसके दांतों और मसूड़ों में पायरिया हो गई है, तकलीफ हो गई है वो भी करें, क्योंकि 43 डिग्री के ऊपर जितने भी कीटाणु जीवाणु रोगाणु हैं जो हमें व्याधियां उत्पन्न करते हैं वो एक बार के लिए सुस्त हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे जब कभी भी उनको 43 डिग्री से ऊपर की सेक मिलेगी। तो दो काम करता है, पानी के क्लस्टर को काटना और दूसरा काम करता है रक्त नलियों को चौड़ी करना। मैं अभी आपको समझा रहा था कि रक्त नलियां चौड़ी होगी तो क्या होगा, रक्त नलियां चौड़ी होगी तो खून का प्रवाह सिस्टम में आ जाएगा, अगर सिस्टम में आ गया तो प्रत्येक कोशिकाओं को रक्त के साथ में पौष्टिक आहार मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और वहां से टॉक्सिन्स निकालने का जरिया मिलेगा। अगर यह हो गया तो वापस मेरी कोशिकाएं मस्त हो जाएगी। जेड स्टोन मसाज का नेगेटिव आयंस फैलाता है और ये पानी और खून कैपिलरीज को बढ़ाता है और पानी के थक्के को कम करता है। कहने के लिए बहुत छोटी सी बात नहीं लेकिन पूरे शरीर में अगर फैले तो एक गजब का काम कर सकता है। जेड स्टोन के पीछे बल्ब है हेलोजन के जो 78 रुपए के आते हैं, ये इसकी गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है, फ्लक्चुएशन आने पर कोई भी बल्ब चूज हो सकता है, एक बल्ब की कीमत 78 रुपए है वो आपको बदलानी पड़ेगी, प्लस इसके अंदर ये बोर्ड है, इस बोर्ड में चार एक है घड़ी, यानी कि कितनी देर सेट करना है, मैं सेट कर सकता हूं, ऑन कर दिया घड़ी 15 मिनट से 5 मिनट से लेकर 60 मिनट तक सेट कर सकता हूं, ये ऊपर या नीचे करने के लिए, ये कम कर रहा हूं, ठीक है। यह टेम्परेचर 43 डिग्री है, अभी मैं इसको 35 से लेके 70 तक सेट कर सकता हूं, ये है वाइब्रेटर, कोई एक चीज आ जाए यहां पर आवाजी, अभी इसमें वाइब्रेटर वाइब्रेशन नहीं पकड़े हाथ में, क्या वाइब्रेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, मैं जो ही वाइब्रेशन ऑन किया ये वाइब्रेटर जरूरत नहीं है। देखिए अगर मैं भाभी जी को कहूं कि यहां दुख रहा है तो जान हाँ यही दुख रहा है, क्योंकि ये वाइब्रेट भी हो रहा है, साइकोसोमेटिक है, वहां पर मैं पूरी तरह से मसाज कर दूं, वाइब्रेटर ऑन रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
और नहीं भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मसाजर तो अपना काम करेगा ही करेगा। और नीचे है नेगेटिव आयन का, आपने पूरा बंद कर दिया फिर भी देख रहे हैं आप नेगेटिव आयन ऑन है, अगर उसको भी बंद करना हो तो इससे बंद कर, ये बंद हो गया, और पूरा बंद करना हो तो प्लग निकाल दे तो ये लाल बत्ती भी चली जाएगी। इसमें खराब होने का एक पीसीबी बोर्ड है जो पिछले 9 साल से बेच रहा हूं, एक भी खराब नहीं हुआ अभी तक। ये जेड स्टोन है, जब तक कोई भारी भरकम चीज पड़े नहीं इसमें तब तक ये भी क्रैक नहीं होते। इसमें जाने की एक ही चीज है, इसके पीछे के बल्ब, जो 5 बल्ब लगे हुए हैं, 78 रुपए का एक बल्ब है। अगर 3-4-5 साल बाद में कोई एक आध बल्ब गया तो वो बल्ब बदला अवेलेबल मार्केट में मिल जाता है, 2 पिन वाला बल्ब है, सब जगह मिलता है, और वैसे भी नहीं मिले तो सपोर्ट सेंटर पे मांग लेते हैं, सपोर्ट सेंटर पे मिल जाएंगे, क्योंकि मद्रास में मिलता ही है। कोई गांव में नहीं मिल रहा हो, मान लीजिए बठिंडा में नहीं मिल रहा है, अटल फिर मिल जाएगा, कोई और भी बहुत रिमोट एरिया है तो वहां पे सपोर्ट सेंटर से पूछ ले, वहां से भिजवा दे।